हे एवरी वन वेलकम बैक टू माइंड स्वाइन ट्यूटोरियल्स आर टू डेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन फिशेज ये जो टॉपिक रहता है जनरली इक्थियोलॉजी के अंदर uh, पूछा जाता है आप एक्वाकल्चर भी समझ सकते हैं इसको सो so, जिसमें हम फिश स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बेसिकली डील करते हैं वही जो टॉपिक रहता है एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक रहता है तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो फिशेस रहती है अगर हम उनको देखें तो उनमें गॉड ने वेरियस तरह के कहना चाहिए स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करे हैं जो कि उनके ज्यादातर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर आ, मेट सर्चिंग इस तरह की प्रोसेस में उनको हेल्प करती है जैसे कि लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होते हैं फिशेज में और लेटर लाइन सिस्टम होता है इस तरह के कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा थी है। उसी तरह से फिशेज में एक और कहना चाहिए सिस्टम रहता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन और फिशेज जिसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का रोल प्ले हमें देखना रहेगा और जो फिशेज रहती है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज रहती है और पूरे एनिमल किंगडम में फिशेज अच्छी खासी स्पेशलाइज है कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर पाती है और वो भी बाहर की तरफ या फिर एनवायरमेंट की तरफ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एक फिश है तो फिश का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये फिश है और फिश क्या कर रही है अपने आसपास क्या जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है तो फिशेस बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना आसपास जनरेट करती है मेरा यहाँ पर जो मीनिंग है कहने का वो यही है अबाउट टू फिफ्टी स्पीसीज फिशेज में ऐसी है जिसमें कॉन्ड्रिक थाइस भी आप मिला सकते हो और ऑस्टिक थाइज भी मिला सकते हो अब आपको ये तो पता होगा कि कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजनस रेजनस फिशेज होती है उनका जो कहना चाहिए स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है कार्टिलेज का बना होता है जैसे कि अगर हम हमारे ईयर को टच करते हैं तो वहां पर वो जो मूवेबल टाइप की बोन जो रहती है वो कौन सी रहती है कार्टिलेज की बोन रहती है और दूसरी फिशेज होती है ऑस्टिक थाइस ऑस्टिक थाइस कौन सी फिशेज होती है बोनी फिशेज होती है जिनके स्केलेटन किसके बने होते हैं बोन्स के बने होते हैं तो वो टॉपिक तो वैसे अलग है लेकिन फिर भी छोटा सा हमने यहां समझ लिया तो कितनी बात की हमने की टू स्पीशीज ऑफ फिशेज जिसमें दोनों फिशेस आ रही है ऑस्टिक थाइस भी आ रही है और कॉन्ड्रिक थाइस भी आ रही है कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजनस फिशेस होती, होती है ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेस होती है सो ये फिशेस भी आ रही है फ्रेश वाटर की भी हो सकती है मराइन वॉटर की भी हो सकती है इन सभी में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं 250 स्पीशीज फिशेस की ऐसी होती है जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये आपको यहाँ पर बात को याद रखना है ये मैं सब इंट्रोडक्शन बता रही हूँ इसलिए आप भी इंट्रोडक्शन पर फोकस करेंगे यहाँ पर दूसरी बात इन फिशेज के अंदर से भी अगर आप कुछ फिशेज को देखोगे तो कुछ ऐसी फिशेज होती है जो सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल फ्रेश वाटर जो रहता है साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का इन दो जगहों का जो पानी रहेगा सिर्फ वहां पर पाई जाएगी जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं सो इन फिशेज में से इन 250 के अंदर से ही आप मानोगे कुछ फिशेज ऐसी हैं आउट ऑफ दिस आप बोल सकते हो इसको जो कि कहां रहती है ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर में रहती है ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर कहां का ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर दो जगहों का एक हो जाएगा साउथ अमेरिका और दूसरा हो जाएगा अफ्रीका का ये दो बातें क्लियर हो गई कार्टिलेजनस और बोनी फिशेस दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर की फिशेस रहती है क्योंकि ये हमारे वहां पर बोनी है मान लीजिए हम यहाँ बोनी लिख लेते हैं ये कार्टिलेजनस फिशेज है कार्टिलेजनस सो so, कार्टिलेजनस फिशेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं और बोनी फिशेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं बहुत दूर की फिशेज है एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी नहीं रहते इसी वजह से क्या हुआ कि बोनी फिशेस के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं कार्टिलेजनस फिशेस के इलेक्ट्रिक ऑर्गन से सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस दोनों फिशेस कर सकती है दोनों ही अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी लेकिन दोनों के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों फिशेज एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनके ऑर्गन्स भी डिफरेंट हो जाएंगे अब फिशेज में होता क्या है इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स रहते हैं आई एम डिनोटिंग ईओ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ऑर्गन वर्ड तो आप यहां से इसको याद रखेंगे मैं बार बार नहीं नोट करूंगी तो आप इसको ईओ को याद रखेंगे अब ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं फिशेज में ये हाईली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हो जाते हैं बहुत ज्यादा स्पेशलाइज रहते हैं और क्या करते हैं फिशेज को आ, ये मतलब एक तरह से आप समझिए एक तरह का स्टोर हाउस होते है पहले तो आप ये समझिए स्टोर हाउस होते हैं जिसमें क्या इकट्ठा हुआ होता है इलेक्ट्रिसिटी रहती है ठीक है ये बात तो क्लियर होगी तो ये क्या कर सकते हैं ये हो गए पजेजर्स किस चीज के इलेक्ट्रिसिटी के हो गए उसके बाद ये यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को क्या क्या कर सकते हैं जनरेट कर सकते हैं बनाते भी इलेक्ट्रिसिटी को ये इलेक्ट्रिक ही है उसके बाद स्टोर भी करके रख लेते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा एकदम प्रेस सामने आएगा और फिर वो फिश बना रही है ऐसा भी पॉसिबल नहीं थोड़ी बहुत उसके अंदर जनरेटेड भी रहेगी और स्टोर्ड भी रहेगी उसके बाद डिस्चार्ज करने का काम भी यही करते हैं यानी कि मान लीजिए सामने कोई दुश्मन आ गया फिश का और उसको अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यही इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स डिस्चार्ज भी करेंगे उसकी बॉडी से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको बाहर भी जाएंगे या फिर वो जो करंट लगता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो भी कौन पहुंचाएगा ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ही पहुंचाएंगे तो ये आपको समझ में आना चाहिए अब ये जो इलेक्ट्रिक फिशेस होती है इनको कन्वीनियंटली हमने जब डिवाइड करा तो दो तरह से डिवाइड करा एक होती है स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस और दूसरी होती है वीक इलेक्ट्रिक फिशेस। तो आपको क्या याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फिशेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फिशेस, वो कितने तरह की होती है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले वो टू टाइप्स की होती है स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस और वीकली इलेक्ट्रिक फिशेस अब आगे क्या होता है ये जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस हैं मैं अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊं यहां पर तो नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाली फिशेस होंगी यानी कि इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगी ये फिशेस दूसरे ऑर्गेनिज़म्स को वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है इसी वजह से ये जो फिशेज होती है ये बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं पेनफुल होती है हैंडल करने के लिए पेनफुल टू हैंडल क्योंकि बहुत खतरनाक करंट जो कहना चाहिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई कर देगी जिस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है सो so, इस फिशेस के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंबली या फिर डेमोन्स्ट्रेबली हम बात करें तो कैसे फंक्शन करते हैं कि वेपन की तरह फंक्शन करते हैं तो किस तरह की चीज है ये वेपन की तरह एक्ट करते हैं वेपन किसको कहते हैं हथियार को कहते हैं तो हथियार की तरह एक्ट करते हैं इस फिशेस के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो कि किस चीज के हथियार हो गए एक तो दुश्मन से अपने आपको बचाने के लिए फिश उस हथियार को यूज करेगी और दूसरा इसके पास अगर कोई खाना है तो उस खाने को प्रोटेक्ट करना है तो भी ये अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन का यूज करेगी एज सिंपल एज डेट अब दूसरी बात होती है वीक वाली जो फिशेज है उनके अंदर क्या कहानी अब वीक वाली फिशेज में अच्छा ये वाला तो आपको समझ में हो गया आ गया होगा एक तो एनिमीज से बचने के लिए यूज करेगी और दूसरा फूड को सिक्योर करने के लिए ये भी लिख लेते हम यहां पर छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हैं बस याद रखने के लिए अब वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज में क्या होता है अब इनकी कहानी क्या है कि ये ऐसे फिशेज हैं जो जो करंट प्रोड्यूस करती हैं वो वीक तरह का होता है यानी बहुत ज्यादा खतरनाक तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं करती सिर्फ ऐसा कि थोड़ा सा उस टाइम के लिए अपना बचाव कर सके फिशेस इतना इसमें करंट फ्लो करती है ये तो so, इनके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो क्या होते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाएंगे वो सिर्फ फ्रेश वाटर जो स्पीशीज होती, तो तो होती है फिशेज की वहां पाए जाते हैं तो ये वीकली वाली फिशेज ज्यादातर तो फ्रेश वाटर होती है एक तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेश वाटर और मराइन वाटर तो अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या होता है तो ये बात होगी तो जो फिशेस का इलेक्ट्रो सेंसरी सिस्टम होता है वो भी किसका फ्रेश वाटर स्पीशीज का उनके अंदर जनरली ये वाली तरह की फिशेस होती है ये फिशेस क्या करती है अपने ऑर्गन से वो डिटेक्ट करती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है उस, उसको चेक करना होता है तो अपना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उस पर प्रोड्यूस करती है एक फील्ड अपने आसपास सेटअप करती है अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन की तरह तरफ से और ये पहचान लेती है कि आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो किस तरह का ऑब्जेक्ट है और ये जो इसके इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पर उसके लिए सेंसिंग एलिमेंट्स की तरह वर्क करते हैं तो फिशेज सेंसरी या फिर सेंसिंग लिख लेते हैं ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड नहीं, नहीं होगा सेंसिंग एलिमेंट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को यूज करती है फॉर एग्जाम्पल ये कोई फिश है ठीक है ये फिश है तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है ये वीक वाली का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट पर जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आकर टकराएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैसेज भी दे देगी कि यहां पर इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फिश वहां पर थोड़ी सावधान हो जाएगी उसको पता चल जाएगा हो सकता है वहां पर उसका प्रेटर बैठा हो हो सकता है उसका प्रे बैठा हो तो या तो उसको खा लेगी या उसे बच के वहां से चली जाएगी तो ये इसके जो वीक इलेक्ट्रिक फिशेज वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज जो होती है इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उनका काम जन, जनरली क्या होता है सेंसरी वे में काम करने का होता है तो आप लिख सकते हो यहां पर कि दे आर ऑर्गन फंक्शन एटलीस्ट इन फ्रेश वाटर स्पीशीज इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रो सेंसरी सिस्टम तरह वर्क करते इलेक्ट्रो सेंसरी सिस्टम की तरह वर्क करते? वर करते हैं ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर दूसरी बात क्या याद रखोगे द फिशेज डिटेक्ट ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे कॉज इन दील्ड सेटअप बाय द इलेक्ट्रिक ऑर्गन अब यहां जो सेंसिंग एलिमेंट्स रहते हैं वो कौन रहते हैं यहाँ पर सेंसिंग एलिमेंट्स इनके होते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स ये बातें आपको यहां पता होनी चाहिए ये बात क्लियर हो जाती है अब वीकली में बस इतना सा काम नहीं होता कि वो बस ऑब्जेक्ट को सेंस करवा दे इतना नहीं रहता और भी रहता है दो फिशेज के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तब भी ये वाले वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है उसको हेल्प करते हैं तो कम्युनिकेशन बिटवीन फिशेज ये एक उसका और फंक्शन हो गया ये वीकली वाले में ही पढ़ रहे अभी अभी हम लोग तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए तो ये और एक्स्ट्रा फंक्शन हो गया हमारे पास याद रखने के लिए उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन फिशेस हो गया फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेनेट 1970 की बात है उन्होंने ये बताया कि कुछ स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस जो रहती है उनके अंदर भी कभी कभी वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो सकते हैं तो ये बात हमें पता होनी चाहिए तो यहां पर मैं लिख देती हूँ कि बेनेट नाम के एक साइंटिस्ट आए थे और उनका टाइम पीरियड है नाइनटीन इन्होंने रिपोर्ट करा सो आप लिख सकते हो रिपोर्टेड दैट सम स्ट्रोंगली इलेक्ट्रिक फिशेस ऑल्सो हैव वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स कितना काफी होगा का। अब बात आती है ये सब तो इंट्रोडक्शन में ही चल रहे थे हम मैंने जितना पॉसिबल था इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में तो मैं हेडिंग ले लेती हूँ हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके हाथ में आप जो भी हेडिंग लेना चाहे अब हुआ क्या हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेस थी उनको सबसे पहले प्रमेटिव मैन ने पुराने टाइम में अगर जो पुराने टाइम पर जो भी इंसान रहे होंगे उन्होंने उस टाइम से देख लिया हुआ होगा तो प्रिमेटिव मैन ने क्या देखा होगा कि टॉर्पेडोस नाम की कोई फिशेज तो होती होगी टॉर्पेडोस को देख लिया होगा उन्होंने फिर उसके बाद ये बात तो यहां देखने लगते हैं हम लोग पहले तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेज का बहुत पहले के टाइम से ही पता चल गया क्योंकि मैन उस टाइम पे भी फिशिंग तो करता था वो भी कौन सा प्रिमेटिव मैन अब वो जब फिशिंग करता था तो नॉर्मली फिश को वो आसानी से पकड़ लेता था उसको हाथ लगा लेता था कभी ऐसा एक दिन आया होगा जब उसने फिश को हाथ लगाया होगा उसको करंट महसूस हुआ होगा और उसको वहां पर पेन महसूस हुआ होगा तो उसी टाइम से स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेज के बारे में तो यहां पर क्लियरली पता चल गया होगा दूसरी चीज यहां पर क्या हुई कि जो रोमन्स आए थे रोमन्स ने सबसे ज्यादा यहां लिखते हैं हम लोग रोमन्स ने सबसे ज्यादा टॉरपेट उसके बारे में बताया ठीक है तो टॉर्पेडोस को ऐसा माना जाता है कि रोमन्स ने प्रमेटिवली सबसे पहले पता लगाया था और प्रोबेबली जो रोमन्स थे इस टोरपेडो को एक शॉक थेरेपी के अंदर यूज करते थे तो ये ऐसा हिस्ट्री से पता चलता है कि जो शॉक थेरेपी होती है कभी कभी शौक देकर भी इंसान को ठीक करने की कोशिश करते हैं आपको पता होगा कि जो कहना चाहिए लोनाटिक असाइलम्स होते हैं तो वहां पर जो पेशेंट्स रहते हैं उनको जनरली शॉक थेरेपी भी दी जाती है और कभी किसी की हार्ट बीट प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो आपने टीवीज में भी देखा होगा मूवीज के अंदर कि उनको एक तरह से शौक दिया जाता है तो कभी कभी उनका हार्ट प्रॉपर वे में वर्क करना स्टार्ट भी कर देता है तो उसी तरह से कहीं ना कहीं शॉक थेरेपी भी यूज की जाती थी रोमांस के टाइम पर भी तो वो लोग टोर्पेडोज की मदद से ये चीज करते थे तो ये एक थोड़ी बहुत बात थी और ये वाली बात जो रोमन्स के बारे में थी एक साइंटिस्ट ने हमें बताई थी जिनका नाम था कैलावे केलावे नाइनटीन फोर्टी सिक्स उनका टाइम पीरियड था तो ये बात हमें कैलावे ने बताई थी कि रोमन्स इस तरह से करते थे उसके बाद क्या हुआ कि रिकोगशन तो करवा लिया गया था कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज है इन फिशेज के अंदर लेकिन वो चीज क्या है कि कुछ फिशेज में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कुछ में नहीं आ रही इसकी ज्यादा से ज्यादा स्टडी जिसने करी थी उन साइंटिस्ट का नाम था लिस मैन तो अब एक नए साइंटिस्ट का नाम आप यहां रखोगे लिस मैन नाइनटीन सो so, लिस्मेन क्या क्या अगर लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं रिकोग्निशन दैट डिस्चार्ज वॉस इलेक्ट्रिक केम सून आफ्टर दी स्टडी मेड बाय लिस्मे नाइनटीन ये सभी चीजें हिस्ट्री में आप एड कर सकते हो उसके बाद नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेज को देखते हैं अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन फिशेज के अंदर अगेन बेनेट जो साइंटिस्ट है उनका रोल प्ले आता है बेनेट 1970 सो so, बेनेट ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम लोग तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं मॉडिफाइड मसल फाइबर्स होते हैं तो उन्होंने क्या कहा सिंपली कि ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है वो क्या है कुछ मॉडिफाइड मसल फाइबर्स है यानी कि सिंपली बॉडी में जो मसल्स रहती है वो कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई हो गई और मॉडिफाई बन होकर उन्होंने क्या बना दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को बना दिया ये बात कही बेनेट ने लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आता है कि हर तरह के मसल फाइबर्स वाली फिशेज के अंदर ये नहीं देखा जाता कि हर फिशेज का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो मसल फाइबर से बनाए बल्कि दो तरह के यहां पर एक्सेप्शन हमारे पास है तो मैं यहां पर एक्सेप्शन नोट कर देती हूँ एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन जो है हमारे पास वो आता है स्टेनार्किट्स का तो स्टीनार ट्स और दूसरा होता है जी आना चाहिए था वैसे यहां पर सो so मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं जी वाई एम ओ टी आई डी एस एमओीआईडीट्स तो सारी फिशेस में तो मसल फाइबर्स जो है वो मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनाते हैं एक्सेप्शन इन दो तरह की फिशेस स्टेनार्किड्स और गायमोर्टिड इन फिशेस के अंदर मसल फाइबर्स मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स नहीं बनाते हैं बल्कि फिर क्वेश्चन उठता है फिर इन फिशेस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को बना रही है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेनार्किड्स होते हैं सिर्फ स्टेनार्किड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेनार्किड्स में जो मायोजेनिक पार्ट होता है इनके ऑर्गन के अंदर वो लॉस्ट हो जाता है घूम जाता है धीरे धीरे जो इनका ऑर्गन रहता है वो मॉडिफाई होने लगता है और वो किससे मॉडिफाई होता है नर्व फाइबर से मॉडिफाई होता है जिसको हम न्यूरोजेनिक कहते हैं और गायमोट्रेट का भी आप ये वाला नोट चाहे तो कर सकते हैं वैसे लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि गायमोट्रेट्स का एक्जेक्ट जो कहना चाहिए मॉडिफिकेशन कहा से हुआ है वो अभी तक नोन नहीं था सो स्टेनार्किट की तो बात आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी कि स्टेनार्किट्स का जो मसल वाला पार्ट है वो तो कहीं ना कहीं वहां पर आप कह सकते हो जो मायोजेनिक पार्ट है ऑर्गन का वो तो लॉस्ट हो गया था गुम हो गया था एक तरह से खत्म हो गया था और यहां पर इसका जो कहना चाहिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन है वो कहां से मॉडिफाई हुआ है इनके नर्व फाइबर से मॉडिफाई हुआ है जैसे ऊपर मसल फाइबर्स की बात की थी लेकिन स्टेनार्किट में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं मॉडिफाइड नर्व फाइबर्स होते हैं और मॉडिफाइड नर्व फाइबर्स होने के कारण हम इसको कहते हैं न्यूरोजेनिक जैसे ऊपर वाले मसल फाइबर्स वालों को आप मायोजेनिक कह सकते हो लेकिन इसको आप क्या कहोगे इसको आप न्यूरोजेनिक कहोगे तो आप लिख सकते हो यहां पर वैसे स्पेस कम हो रही है पर स्टिल मैं ये नोट करूंगी ताकि हेडिंग यहीं पर है तो अच्छे से हो जाए मॉडिफाइड नर्व फाइबर्स और इसीलिए हम इसको कहने लगे न्यूरोजेनिक ऊपर वाला मायोजेनिक सो बेनेट नाइनटीन सेवेंटी रिपोर्टेड दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर मॉडिफाइड मसल फाइबर्स एक्सेप्ट इन स्टेनार्किट्स एंड गाइमोटेट्स इन दिनार्किट्स अ मायोजेनिक पार्ट ऑफ दर्गन हैज बिन लॉस्ड एंड दर्गन इज मॉडिफाइड फ्रॉम नर्व फाइबर्स दैट इट इज न्यूरोजेनिक नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन फिशेज में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत सारी ऐसी फिश की स्पीशीज होती है जिसमें ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले सेल्स होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं यानी थोड़े से फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसी रीजन की वजह से उनको टर्म जो दी जाती है फ्लैट एंड स्ट्रक्चर्स को वो क्या जा, की जाती है इलेक्ट्रोप्लेक्स या फिर इलेक्ट्रोप्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोप्लेक्सेस मैं सबकी स्पेलिंग लिखूंगी हालांकि यहां पर लेकिन कुछ और भी कहना चाहिए फिशेज के ऐसे डिस्क्राइब्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनमें इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नहीं भी होता है तो आपको जो जो चीजें जैसी है वैसे याद होनी चाहिए उसके अलावा कुछ ऐसे जनरेटिंग सेल्स होते हैं यहां पर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले सेल्स ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स तरह का शेप होता है ऑल्दो जो इलेक्ट्रो रहते हैं वो फिर भी ऐसे नजर आते हैं जैसे कि नेचुरल टर्म दी गई हो फ्लेटेंट सेल्स को और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं बेनेट नाम के फिर से साइंटिस्ट की यहां पर कहानी आती है 1970 की जिनकी बात थी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी सबसे ज्यादा जनरल टर्मिनोलॉजी जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइट अब बेनेट ने इलेक्ट्रोलाइट नाम दिया था और उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट इसलिए दिया था कि वो बताना चाहते थे कि यहां, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जिन सेल्स में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उनका नाम हम रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट और कैसा भी उनका शेप हो किसी भी तरह के फ्लैट हो सर्कल वाले शेप के हो किसी भी तरह के शेप के हो हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का ही नाम देंगे तो आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको कि पहले तो जो फ्लैटेंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स तो सभी में थे अगर फ्लैट एंड रहते थे वो फ्लैट वाले रहते थे अगर यही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स फ्लैट रहते थे तो उनको तीन तरह के नाम दिए जाते थे एक तो उनको कह, कह देते थे इलेक्ट्रोप्लेक्स प्लेक, उसको इलेक्ट्रोप्लेट्स कहते थे इलेक्ट्रोप्लेट्स उसको इलेक्ट्रोफे um, प्लेक्सिस uh, कहते थे इलेक्ट्रो electro... प्लेक्सिस इतने नाम दिए जाते थे ठीक है ये तीन तरह से नाम दिए जाते थे अगर फ्लैट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स होते थे लेकिन अलग अलग तरह के शेप्स भी हो सकते थे जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्लैट ही हो और भी शेप्स हो सकते थे तो ऐसे फिर कितने नाम रखने पड़ते वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है स्टडी करना तब जाके बेनेट ने बोला बेनेट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा नाइनटीन के अंदर कि हम क्या करेंगे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स हैं इनका नाम रख देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और कैसा भी शेप हो फॉर ऑल शेप्स या फिर लिख सकते हो फॉर आप लिख सकते हो फॉर वट एवर द शेप इज फॉर वट एवर द शेप इज हम लोग नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपर ही बनना चाहिए फ्लैट हो सर्कल हो कैसे भी शेप हो हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट सो so, इलेक्ट्रोलाइट को जो जनरल टर्मिनोलॉजी या नाम देने वाले साइंटिस्ट थे वो बेनेट थे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग सेल्स को ये नाम दिया था ऑफ वट शेप ये याद रखना दूसरी बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं फिशेस के अंदर जनरली जो उनका स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं जिलेटिनस होता है जिलेटिन के बने हुए नजर आते हैं तो मैं क्या कह रही हूं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के बारे में कह रही हूं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जनरली कैसे होते हैं जिलेटिनस होते हैं जिलेटिनस जिलेटिन को आपने देखा होगा जिलेटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा स्मूथ नजर आता हुआ तो जिलेटिनस होते हैं जिसमें से जो लार्ज फ्रैक्शन होता है उनके वॉल्यूम का उसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होती है तो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम इज जिलेटिनस स्पेस सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस ये याद रखना है यहाँ पर उसके बाद इनके अंदर एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है और कुछ एक्सेसरी टिश्यू भी पाए जाते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स भी होती है मोटर नर्व्स भी होती है वो सारी चीजें जो भी डिस्चार्ज करती है रेगुलेट करती है डिस्चार्ज को वो सब चीजें भी होती है अब इनमें मैं जो जो चीजें एड कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा जिलेटिनस स्ट्रक्चर है खाली स्पेस है यहाँ पर बहुत सारी और कुछ यहां पर चीजें हैं ज्यादा चीजें नहीं कुछ है कुछ चीजें हैं कुछ चीजों में थे जो चीजें हैं उनके नाम यहां लिख लेते हैं तो मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू हो गया कनेक्टिव टिश्यू उसके बाद आप लिख सकते हो एक्सेसरी टिश्यूज भी है कुछ 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 एक्सेसरी टिश्यूज को नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सेसरी टिश्यूज उसके अलावा यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं तो ब्लड वेसल्स आ गई ब्लड वेसल्स उसके अलावा यहाँ पर कुछ मोटर नर्व्स होती होंगी तो मैं मोटर नर्व्स भी लिख लेती हूँ यहाँ पर मोटर नर्व्स तो इतनी चीजें सफिशियंट होगी जो भी चीजें डिस्चार्ज को रेगुलेट करती हैं वो चीजें भी यहां पर होती हैं अब यहां जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज ये क्या करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन चैनलिंग दी फ्लो ऑफ करंट तो आपको ये बात पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करते हैं प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन चैनलिंग चैनलिंग फ्लो ऑफ करेंट फाइन ये बातें क्लियर हो गई ये कनेक्टिव टिश्यू का एक्स्ट्रा फंक्शन मैं यहां कह रही हूं ठीक है प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन चैनलिंग फ्लो ऑफ करेंट वन मोर थिंग स्टूडेंट आई एम रियली सॉरी यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है आप उसको अभी रेक्टिफाई करेंगे अपनी कॉपीज में और मैं इसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूं तो आप प्लीज इसको सही लिखेंगे एंड दी प्रॉब्लम इज मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बताया आप इसको इलेक्ट्रोसाइट्स याद रखेंगे आई एम really रियली सॉरी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का भी रोल प्ले रहता है और मेरे माइंड में केमिस्ट्री आ गई थी कहीं ना कहीं तो मैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहने लगी तो so, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोसाइट्स होता है अभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ है तो मैं अभी आपको यहां पर कहूंगी कि आप इस चीज को आपकी कॉपीज में सही करें इलेक्ट्रोसाइट्स बेनेट ने जितनी भी बातें कही वो इलेक्ट्रोसाइट्स के लिए कही थी इलेक्ट्रोलाइट्स भी चीज होती है लेकिन वो एक्चुअली केमिस्ट्री में रहती तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री चलने जैसा कुछ पोर्शन आ रहा था तो मेरे यहां पर मेरी गलती थी जिस वजह से हमने यहां पर उसको गलत लिखा था लेकिन अभी फिलहाल में आप इसको ठीक करेंगे इलेक्ट्रोसाइट्स है वो ठीक है तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पर थोड़ा बहुत आपने अभी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखा अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं तो होता क्या है ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं कि अपने फंक्शन को ऐसे परफॉर्म करेंगे कि जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसी उसी के हिसाब से एक प्रिंसिपल रहता है उसी प्रिंसिपल के हिसाब से ही अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक ऑर्डिनरी नर्व है और मसल सेल्स हैं उनके हिसाब से ही वो वर्क करेंगे वहां पर पोटेंशियल्स यहां पर जनरेट होते हैं अक्रॉस दी मेमरीज और हर केस में ये देखा जाता है जो पोटेंशियल यहां पर रहता है उसके बदले सिलेक्टिव परमेबिलिटी दिखाई देती है कुछ पैसे मूवमेंट दिखाई देते हैं आयस के डाउन देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स और इस तरह से वो वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो जैसे नॉर्मली आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी का वो जो पोटेंशियल वाला केस होता है वो कैसे चलेगा और जो पैसे मूवमेंट्स होते हैं आयंस के वो कैसे होते हैं आपने सेल चैप्टर में पढ़े होंगे बस उसी तरह से इलेक्ट्रोसाइट्स का भी फंक्शन रहता है ये सेम प्रिंसिपल्स को सेम जनरल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करते हैं कोई नई चीज इसमें हमें नहीं पढ़नी होती सो हाउ इलेक्ट्रोसाइड्स फंक्शन उसके लिए नोट्स यहाँ लिख लिए इलेक्ट्रोसाइड्स परफॉर्म देर फंक्शन ऑन दी सेम जनरल प्रिंसिपल एज ऑर्डिनरी नर्व एंड मसल सेल्स पोटेंशियल आर जनरेटेड अक्रॉस मेमरीज एंड इन ऑल केसेज द पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम सिलेक्टिव फॉर एंड पेसिव मूवमेंट्स ऑफ आयस डाउन देअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट्स ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं होती नॉर्मली जो चीज आपने जैसी पढ़ी थी वैसे ही जनरल प्रिंसिपल पर ये इलेक्ट्रोसाइड्स फंक्शन करते हैं अब सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं सारी फिशेस में अगर आप देखोगे तो मॉडिफिकेशन होते हैं मसल फाइबर्स के एक्सेप्ट आपको हमने बताया था स्टेनार्किट्स और गायमोटिट्स के अंदर नहीं होता ऐसा कि मसल फाइबर्स मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनाए बाकी सारी फिशेज में वो मॉडिफाइड मसल फाइबर्स ही होते हैं और स्टेनार्किट्स में क्या होता है स्टेनार्किट्स में मसल फाइबर्स की जगह नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना लेते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बना लेते हैं ये तो एक छोटा सा रिविजन हो गया हमारी पुरानी बात का इसके अलावा क्या होता है अच्छा मैं छोटा सा लिख भी देती हूं यहां पर मसल फाइबर और नर्व फाइबर ठीक है ये वाला पॉइंट याद रखने के लिए अभी पढ़ तो हमने लिया बस मैं लिख रही हूं ये भी हमने पढ़ा है फिर उसके बाद जो स्केटिज होते हैं यानी कि राजा फिश जो होती है राजा कहते हैं उनको नॉर्मली स्केटिस राजा आपने डायग्राम भी बनाया होगा इसका हमेशा उसके अलावा इलेक्ट्रिक ईल्स नाम लिखते जाएंगे अभी नाम लिख रही हूं मैं यहां पर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस उसके अलावा यहां लिख लेती हूँ मोरमाइरिट्स मोरमाइरिट्स एग्जाम्पल जिम्नारकस उसके बाद मोरमाइरस मॉर्मयरस इन सभी में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो डिराइव होता है एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टेल मसल्स तो आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है ये तो ऊपर वाली फिशेस के बारे में बात होगी नर्व फाइबर्स के लिए मैंने आपको बताया स्टेनार्किट्स याद रखना है ये वसल फाइबर्स वाली बात मैक्सिमम फिशेस के लिए लागू हो रही है उसके बाद स्केटीस राजा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ईल जिसका एक और नाम जो होता है इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस होता है उसके बाद जो मोरमाइरेट्स होती है मोरमाइरेट्स में कौन आ जाएंगी जिमनारकस आ जाएगी और मोरमाइरस आ जाएंगी इन फिशेस की अगर मैं बात करूं जिसके पैराग्राफ मैंने यहां पर बनाए हैं इन फिशेज की अगर हम बात करते हैं तो इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहाँ से डिराइव होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टेल मसल होते हैं सो so, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनके जो होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टेल मसल जो टेल की मसल होगी वहां से मसल्स तो हैं मैक्सिमम फिशेज में मसल फाइबर वाली बात तो हुई है लेकिन कहाँ की मसल तो उनकी जो टेल मसल्स होती है वो मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनाती है यानी कि ये जो मैंने यहाँ नाम लिखे फिशेज के इनकी टेल में से करंट आएगा ये बात आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए इसके बाद जो रेज होती है रे फिशेज तो उसमें भी टोरपेड इनके अंदर कहां की मसल्स जो रहती हैं वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनाती है तो इनकी ब्रेंचियल मसल्स जो रहती हैं ब्रेंचियल मसल्स वो मॉडिफाई होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को बनाती है यानी कि इनकी ब्रेंचियल मसल्स जो होंगी वहां पर से करंट वाला काम इनका देखने को हमें मिलेगा उसके अलावा कैटफिशेज आ जाती है कैटफिशेज कैटफिशेज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेलेपटेरस टेरस, मेलेप टेरस मेलेप्टेरस के अंदर जो बॉडी की मसल्स होती हैं पूरी बॉडी की मसल्स बॉडी मसल्स वो क्या करती हैं वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को बनाती हैं फिर उसके बाद स्टार गेजर जिसको स्टार गेजर फिश जो होती है जिसको एस्ट्रोस

जो डरमिस वाला पार्ट होता है वहां से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनकी डरमिस जो रहती है डरमिस वहां से इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनते हैं कैटफिशेज के अंदर तो ये कैट फिशेज का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है और कुछ लोग नहीं मानते कि नहीं मस्क्यूलर टिश्यू से नहीं बनता कैट फिशेज में बल्कि उनकी डर्मिस के अंदर से इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स बनते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं पूरी बॉडी मसल्स उनकी ऐसी है जो कि उनकी बॉडी पूरी फुल बॉडी में से करेंट फ्लो होगा कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो जो जो दोनों लोग कह रहे हैं मैंने आपको दोनों बता दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है अभी साइंटिस्ट इसको पता कर रहे हैं जिस दिन हमें भी पता चल जाएगा हम भी हमारे चैनल पर उसको डिस्कस करेंगे यह बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कैटफिशेस के बारे में तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ कैटफिशेस दैट इज दी मेलेप्टेरस आर थॉट टू हैव बिन डिराइव फ्रॉम दी रादर देन दी मस्क्यूलर टिश्यूज अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ कुछ फिशेज के बारे में आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो ना चाहो तो भी चल जाएगा कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इसलिए एक बार उसको भी यहाँ पर बताना जरूरी है अब देखिए मोरमाइरेट्स जो रहती है ये मोरमाइरेट्स मैं इनकी बात कर रही हूँ ये जो मोरमाइरेट्स होती है तो अगर आप चाहते हो इनका ऑर्डर आपको पता हो मैं कुछ कुछ फिशेज के ऑर्डर आपको बता रही हूँ यहाँ पर तो इन मोरमाइरेट्स का ऑर्डर होता है ऑस्टियोग्लोसोमोर्फा तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ उसको ऑस्टियो ग्लोसो मोर्फा ठीक है ये होता है इसका ऑर्डर पिंक पेन से जो भी लिख रही हूँ ना ऑर्डर लिख रही हूं यहां पर ठीक है ऑस्टिओग्लॉसो मोर्फा मोरमाइरेट्स का ऑर्डर होता है ये फिशेज जो होती है थोड़ा बहुत इन फिशेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए आपने ये सब पढ़ लिया कि इनमें क्या क्या हो रहा है इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो कहां से है, तो इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन मॉडिफिकेशन ऑफ टेल मसल से ये सब आपको पता है इन सारी फिशेज के बारे में कुछ और भी पता होना चाहिए सो so, मोरमारेट्स का ऑर्डर होता है ऑस्टियोग्लॉसो मोर्फा ये फिशेज फ्रेश वाटर फिशेज होती है फ्रेश वाटर कैसे पानी में पाई जाएगी फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिसिटी अपनी बॉडी से इमिट करती है इसकी वीक इलेक्ट्रिसिटी इसकी बॉडी से इमिट होती है और वो भी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी का भी कम ज्यादा और ज्यादातर वीक तरह की इलेक्ट्रिसिटी मोरमाइरेट्स में से बाहर आती है उसके बाद ये जो जिम्नार्कस है इसके बारे में भी बता देती हूँ इसका ऑर्डर सेम हो जाएगा ऑस्टियोग्लोसोमोर्फा इसका सेम टू सेम ऑर्डर आपको लिखना है उसके बाद ये अगेन फ्रेश वाटर फिशेज ही होती है जिम्नार्कस भी और इनके अंदर भी वीक इलेक्ट्रिक पल्स देखने को मिलते हैं कांस्टेंट रहते हैं हालांकि वो लेकिन फ्रीक्वेंसी भी इनमें बदल सकती है वो भी यहां पर चीज कम होती सकती है ज्यादा हो सकती है जो भी हो सकता है तो ये तो जिमनार्कस की बात हुई इसके बाद इलेक्ट्रिक ईल एल की बात करते हैं जो कि यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक ईल का जो ऑर्डर होता है वो होता है साइप्रीनी फॉर्मिस साइप्रीनी फॉर मिस इलेक्ट्रिक ईल्स का ऑर्डर होता है साइप्रिनी फॉर मिस ये फ्रेश वाटर फिश होती है एफ लिख देती हूं फ्रेश वाटर फिश होती है इसके अंदर स्ट्रांग वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन दोनों ही होते हैं यानी कि स्ट्रांग तरह का भी इलेक्ट्रिक करंट रिलीज कर सकती है और वीक तरह का भी इलेक्ट्रिक करंट अपनी बॉडी से रिलीज कर सकती है यानी कि वो जो हमने पढ़ा था अभी थोड़े टाइम पहले कि दो तरह की फिशेज होती है एक होती है स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फिशेज जो कि पेनफुल टू हैंडल होती है और एक होती है वीकली इलेक्ट्रिक फिशेज जो कि बहुत आसानी से करती है वो अलिफ दोनों तरह की जो कैपेसिटीज होती है इलेक्ट्रिक ईल के अंदर पाई जाती है जो कि साइप्रेनिफॉर्मिस ऑर्डर में आ जाती है इसके जो पल्सेस होते हैं वो वेरिएबल फ्री के होते हैं? ये हो गई इलेक्ट्रिक ईल्स की बात उसके बाद जो जिम्नोटस फिश होती है इलेक्ट्रिक तो तो ऑर्गन्स के बारे में लेकिन फिर भी इस के बारे में आपका, आपको इसका नेम और ऑर्डर या फिर फॉर्म एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के बारे में पता होना चाहिए तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो जिम्नोटस जो रहती है वो भी साइप्रेनिफॉर्मिस्ट में आती है साइप्रिनी फॉर्मिस जिसका ऑर्डर है किस तरह की फिश है फ्रेश वॉटर फिश है वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गेन्स इसमें पाए जाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को और वो भी कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी वाली इलेक्ट्रिसिटी को डिस्चार्ज करते उसके बाद इलेक्ट्रिक कैट फिश जो रहती है अगर हम इनकी बात करें तो इनका ऑर्डर जो रहता है वो होता है सिल्यूरी फॉर्मिस तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए सिल्यूरी फॉर्मिस आई होप दिखाई दे रहा हो वैसे बहुत जल्द प्रैक्टिकल सीरीज में फिशेज को भी मुझे कम्पलीट करना ही है आप लोगों के लिए क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा तो वहां पर भी आप उसको बाद में चेक कर सकते हो जो मैं बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल सीरीज करती हूँ उसके अंदर हम लोग इसको भी देखेंगे सो तो, हाँ इलेक्ट्रिक कैट फिशेज का ऑर्डर सिल्यूरी फॉर्मिस हो गया ये फ्रेश वाटर फिशेज होती है कैट फिशेज के बारे में बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेज होती है स्ट्रांग इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनमें होते हैं और इंटरमीडिएटली एक्टिव होती है ठीक है उसके बाद स्टार गेजर्स की जो आपने यहां पर बात की थी स्टारगेजर्स का ऑर्डर होता है एकेंथो टेराइगी एकेंथो टेराइगी ठीक है एकेंथो टेराइगी ये ऑर्डर हो गया इसका ये मराइन फिशेस होती है यानी कि कहाँ पाई जाएगी सोल्ट वाटर में पाई जाएगी सीज वगैरह में तो मराइन फिशेस होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनके पास होता है और ये भी इंटरमिटेंटली एक्टिव होती है इसके बाद जो रेज होती है रेस फिशेज के बारे में हमने देखा था अभी हम लोग उसके ऊपर देखते हैं रेस का ऑर्डर होता है रजी डी तो यहां पर इसका ऑर्डर आ जाएगा राजी डी राजी डी ठीक है मराइन वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाली फिशेज होती है इंटरमीडिएटली एक्टिव होती है उसके बाद आती है बात स्केटिस की सो so जो स्केटिस फिशेज होती है इनका ऑर्डर होता है टॉरपेडी फॉर्मिस तो स्केटिस का ऑर्डर यहां लिख लेते हैं टोरपेटी फॉर्मिस इन फिशेज की बात करू स्केटिस की तो ये मराइन होती है स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाली फिशेज होती है ये भी इंटरमीडियंटली एक्टिव होती है ये बात क्लियर होगी अब कुछ एक्स्ट्रा बात और समझ लेते हैं अभी तक आपको जितने भी नाम मैंने बताए उसमें से टीलियोस्ट और इलाज ब्रांची के ही नाम बताए उसमें से जो मोरमाइरिट्स यहां पर आप याद रखिए टीलियोस में किसके किस के के नाम ले रही हूं मोरमाइरिट्स जिमनार्कस मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूं आप सिर्फ अभी ध्यान से सुन लीजिए या फिर पूरा नोट आप खुद करिए स्पेलिंग तो आपको पता है मोर मायरिट्स जिम्नार्कस इलेक्ट्रिक ईल मैं उसको ई लिख लेती हूँ जिम्नोटस जिसको अभी आपने फिलहाल यहां पर देखा था उसकी स्पेलिंग को तो इलेक्ट्रिक ईल एल के बाद जिम्नोटस उसके बाद इलेक्ट्रिक कैट फिशेस तो हम उसको यहाँ पर कैट फिशेस तो पूरा ही लिख लेंगे छोटा सा वर्ड है कैट फिशेस उसके बाद स्टार गेजर्स स्टार गेजर्स ये सारी फिशेज किसमें आती है टीलियस के अंदर आती है ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए उसके बाद इलाजमो ब्रांच ब्रांचेस में कौन कौन आती है रेस जो आपने देखी और जो आपने स्केटीज देखी है ये दो इलाजमो ब्रांच में आती है तो इनकी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ बता दी है लेकिन आपको सिर्फ एक बार और एक्स्ट्रा बताना था तो यहाँ पर उसको नोट कराए अब अक्रेंस की बात कर लेते हैं अबाउट टू फिफ्टी स्पीसीज कार्टीलेजनस और बोनी फिशे दोनों ही फ्रेश और मराइन वाटर्स वाली दोनों ही ऐसी मानी जाती है जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बात बताई थी 250 स्पीशीज वाली बात तो आपको पहले से पता है तो ये बात आप यहाँ पर लिखोगे दूसरी बात इनमें से जो इम्पोर्टेंट फिशेज थी उसके बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पर टीलियोस और इलाजम रांची में जिन जिनके भी मैंने ऑर्डर बताए वो आपको बता दिए तो जिस जिसके ऑर्डर उनकी आदतों के बारे में उनकी किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी रहती है सब जो अभी जो जितना भी बताया मैंने आपको पिंक पेन से रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से ठीक है तो वो जो मैंने आपको बताया है वो सारी इम्पोर्टेंट फिशेज थी वो आपको याद होना चाहिए वो भी बाय हार्ट याद होना चाहिए फाइन उसके बाद आ, कुछ ऐसी फिशेज होती है जो कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रहती है ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर्स में और वो भी कहाँ के ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर्स में साउथ यूएसए वाले तो कुछ ऐसी फिशेज होती है जो कि ट्रॉपिकल एक सेकेंड इसको ऐसे देखेंगे ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर में होती है उसमें से वो भी कहा के साउथ यूएसए के उसके बाद अफ्रीका के अब जो मराइन फॉर्म्स होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं उसके अंदर टॉर्पेडो रे आ जाते हैं और जो रे जीनस होता है उसमें नारकाइन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे कुछ स्केटीज होते हैं जो कि इलाजमो ब्रांच में होते हैं और ओनली जो स्टार गेजर्स रहते हैं वो टीलियोस में से रहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता किसके लिए थी जो मराइन वो ज्यादा नहीं होते ज्यादातर तो फ्रेश वाटर वाली ही इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली फिशेज होती है मराइन वाली बहुत कम होती है तो मराइन के कुछ ही रहते हैं तो उसको मैं यहाँ नोट कर देती हूँ आपके लिए मराइन सिर्फ कुछ ही रहती है ये तो अच्छी खासी है लेकिन मराइन वाली थोड़ी कम रहती है तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये बहुत लिमिटेड रहती है पहले तो आप ये लिखोगे लिमिटेड होती है और इसमें आ जाती है टोरपेडोरे और जो रे का जीनस होता है वो आपको बता देती हूँ रे का जीनस कौन सा वाला नारकाइन ठीक है उसके बाद स्केटीज आ जाती हैं जो कि किस में होती हैं इलाजमो ब्रांच में होती है आप लोगों को वैसे रहता है इलाजमो ब्रांच डिप्रोई फिशेज इन पे शॉर्ट अकाउंट बनाइए मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी तो वैसे उसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं वो पढ़ना बट स्टिल अभी मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अभी जितना पॉसिबल है उतना बता रही हूँ टी लॉस्ट फिश ये होगी अक्रेंस की बात यहाँ अक्रेंस कंप्लीट होता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं यहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं फिशेज के अंदर तो हर तरह की डिफरेंट फिशेज में इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन की जो लोकेशन होती है वो अलग अलग तरह से पाई जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ जो इलेक्ट्रिक ईल्स होती है ठीक है पूरा नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल्स जो होती है जिसमें इलेक्ट्रोफोरस आ जाएगी और इलेक्ट्रोफोरस आ जाएगी और जिम्नोटस आ जाएगी साथ में स्टेनार्कस भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो स्टेनार्कस तो इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा तो इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं लेटरली और अलोंग ऑन ईच साइड फ्रॉम एंड ऑफ द टेल टू दी ट्रंक रीजन फॉर एग्जाम्पल ये फिश है तो लेटरली पूरी तरह से एक्सटेंड करते हुए दिखाई देते कहीं ना कहीं इस तरह से होते हैं फिर उसके बाद टोरपेडो की बात करें तो इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स रहते हैं इनके हेड के दोनों तरफ पाए जाते हैं उसके बाद ये तो पहला हो गया दूसरा हो गया टॉरपेडो का टोरपेडो तो टोरपेडो का जो हेड वाला रीजन होता है उसके दोनों तरफ यहां और यहाँ दोनों तरफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन उसके पाए जाते हैं तो इन टॉर्पिडो दीज इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाई ऑन दी इधर साइड ऑफ देयर हेड बिटवीन द गिल्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेक्टोरल फिन एंड आर इनरवेटेड बाय नर्व कनेक्टेड टू द ब्रेन ये टॉर्पेडो की कहानी होगी और ऊपर वालों के लिए भी पॉइंट लिखना है तो क्या लिखोगे इन इलेक्ट्रोफोरस एंड जिमनोटस ऑल्सो इन स्टेनार्कस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एक्सटेंड लेटरली अलॉन्ग ऑन ईच साइड फ्रॉम एंड ऑफ द टेल टू दू ट्रंक रीजन ये तो इनका पॉइंट हो जाएगा टोरपेडो का भी आपको मैंने बताई दिया तो ये वाली बात होगी उसके बाद दूसरे फिशेज की बात करती हूँ राजा फिशेज के ठीक है इसमें आ जाती है नेमस नेथोनिमस और जिम ये दो फिशेस राजा में आ जाती है इनकी कहानी क्या है कि इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके टेल में ही पाए जाते हैं वहीं सारा नर्व सप्लाई इनको आ जाता है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड तो आप इनका स्टेटमेंट लिखना चाहते हो राजा वाली फिशेस का तो इन राजा नेथोनीमस जिमनार्कस इलेक्ट्रिक uh, ऑर्गन्स आर कन्फाइंड ओनली इन द टेल एंड रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके बाद एस पस ठीक है एस्ट्रोस कोपस इनके अंदर ये जो इनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं वो इनके आंखों के पीछे वाला जो हिस्सा होता है आंखों के पिछला वाला पोर्शन जो होगा वहां पर लोकेटेड रहते हैं और दोनों ही आंखों के पीछे लोकेटेड रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ पैचेस तो यह आपको बताना चाहिए तो आप लिखना है यहां पर इन एस्ट्रोस्कोपस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर लोकेटेड बिहाइंड दी आईज आंखों के पीछे पाए जाते हैं बिहाइंड दी आईज ऑन ईच साइड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस पैचेस की तरह पाए जाते हैं ठीक है इसके अलावा अनयूजअली जो अफ्रीकन कैटफिशिज होती है जो कि मेलेपटेरस हो जाएगी तो अफ्रीकन कैटफिशेज मेलेप्टेरस इनके अंदर ये कहाँ सिचुएटेड रहते हैं इनकी स्किन और इनकी जो मसल्स होती है पूरी फुल बॉडी की वहां पर लोकेटेड रहते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कंफ्यूजन है कि इनकी पूरी बॉडी मसल्स में लोकेटेड है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स या फिर इनकी सिर्फ और सिर्फ डर्मिस में लोकेटेड है तो दोनों बातों को हम यहाँ पर बता रहे हैं तो आप लिख सकते हो इन अफ्रीकन कैटफिशेज मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर सिचुएटेड बिटवीन द स्किन एंड दी मसल्स अलॉन्ग दी एंटायर लेंथ ऑफ दी बॉडी डायग्राम आप देख सकते हो इलेक्ट्रोफोरस में यहाँ पर दिखाया गया है इलेक्ट्रोक टॉर्पेटो में यहाँ हेड के आसपास नेथोनीमस के अंदर यहाँ पर टेल के उधर दिखाया गया है उसके बाद राजा फिश के अंदर टेल पे देख सकते हो मेलेपटेरस की पूरी बॉडी पे दिखाया गया है